वालेकुम। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जी मेरी तरफ से आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। तो सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश होकर हम सबसे पहले गए जी ईद की नमाज़ अदा करने। ईद की नमाज़ अदा करने के बाद बारी आती है सब कजिन्स के घर जाके उनको मुबारकबाद देने की। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने बुजुर्गों के घर, उनको मुबारकबाद देने, उसके बाद जाएंगे बाकी कजिन्स के घर। तो चलिए जी चलते हैं पहले चाचू चिकंदर के घर। नाना जी को हमारे ना शौक कबूतरों का बहुत ज्यादा, बल्कि सारे परिंदों का शौक है। तो इन्होंने कबूतर रखे हैं और ये कबूतर दिखा रहे हैं अपने सब लोगों को, दिखाते हैं इनके कबूतर माशाल्लाह। वो देखें बाकी तो कुछ कुछ इधर हैं, बाकी उड़ने लगे हैं। ये जो हमारे नाना है इनको बहुत ज्यादा शौक है परिंदों का। इन्होंने सारे परिंदे रखे होते हैं, बटेरे, तितर, चकोर, कबूतर, मतलब सब कुछ रखा था। इस उम्र में भी इनको मतलब इतना ख्याल करते हैं ना परिंदों का, उससे ज्यादा ये अपने परिंदों को ख्याल करते हैं, शौक इस चीज को कहते हैं। तो अभी जी नाना जी को कहते हैं कि वो हमें अपना शौक चेक करें। उनके शौक में अगर बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारे बटेरे और एक मुश्किल तीतर, मतलब जिसे काला तीतर कहते हैं, वो उन्होंने रखा हुआ है। तो वो अभी आप लोगों को दिखाते हैं। मुश्किल बात कर लो। तो ये देखें जी, ये एक पिंजरा ये हो गया, ये और ये नीचे भी हैं और नीचे भी रखे हैं। ये देखें ये जो तीते रखा हुआ है ना, ये तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का एक तीते है ये जो नाना जी का रखा हुआ है। मतलब इतना महंगा महंगा रखा हुआ है, इतना शौक है रखने से ज्यादा क्या लगता है। जिस मतलब रूम में खुद रहते हैं ना पंखे के नीचे या ए सी कूलर जो भी मतलब चलाते हैं ना, जिस रूम में खुद रहते हैं उधर ही इन्हीं को रखा होता है। मतलब वरना लोग होते हैं परिंदे बाहर नहीं, ये अपने साथ ही रखते हैं परिंदों को। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये तीते चेक कराते हैं। हमारे बाबा को भी शौक है ना परिंदों का, तो जब दो शौकीन मिलते हैं ना तो इस तरह से उनकी अपनी गपशप शुरू हो जाती है। बस तीतर आ गया और तीतर की गपशप शुरू हो गई है बस उनकी। अभी जी हम लोग जाने लगे हैं चाचू मुश्ताक के घर, उनके चल के उनको ईद मुबारक देते हैं। ये सामने जी चाचू मुश्ताक का घर है, ये टुंड्रा चेक करें जी आप लोग। जरूर इंशाल्लाह मुलाकात करें तो इंशाल्लाह। तो खैर है, ठीक है ना तुम्हारा?
क्या हाल है चुप तू की मावे सिग्नाले में रिव्यूज दे रहे हैं दूसरे को सारे गाड़ी है ऐसे ना माशाल्लाह से ये जी है टुंड्रा के ओरिजिनल टायर लेकिन अब जो लगे हुए ना वो दुबई से इंपोर्ट करवाए थे चाचा ने ये बूट ये गुड्डा ले ये कैमरा ले और चौड़े को अभी जी हम लोग एक और रिलेटिव के घर आ चुके हैं सलमान भाई हमारे उनके घर चलते हैं उनको चल के ईद की मुबारक देते हैं और वहाँ पे हमारे बाकी भी सारे कजन्स वगैरह जो आए हुए ना उनसे भी चल के मिलते हैं ऐसे जब गैदरिंग होती है ना जब कजन्स की तो बहुत ज्यादा शुगल मेला लगाते हैं तो उधर चल के आपको वो सारा शुगल मेला भी दिखाते हैं और उनको ईद की मुबारक भी चल के देते हैं ये घर है जो उनका भाई चावल दे सकते हो माशाल्लाह से काफी प्यारा घर है क्या हाल है मुबारक मुबारक हेलो तो ये है जी हमारे सुलेमान भाई अरे इनको मिलते हैं चल के क्या खादा सब रिना तो सब बट साहब को एक सोबत कवाओ सही जोक का प्रोग्राम बनाऊं कहीं मिले करना सो पीछे टाइम दे सो साको अल्लाह दे ये तारो हमरा पसी साको आ सब तब बता रहे ना डाला भी जो तक चावे सी डाला सा ड्राइवर भी जसो सस्ता ना कर देता दी वो और मन नहीं चलता मेरा से प्रचार दोबारा बात है क्या नाना साहब बड़े तारीफा सुने सोबत दे बारे
खादी करेंगे से। अच्छा सही है, बकाल परसों चला प्रोग्राम बड़े ना वैसे बात डाले थे जैसे डाले थे पूछे ठीक डन दे गया से तो अभी जी विवाह हम लोग अपने नाना जी के घर पहुंच चुके हैं और ना चल के नाना जी को मुबारकबाद देते हैं क्योंकि बाकी सारे कजन वगैरह घर से हो आए हैं। ये जी मेरा फर्स्ट कजन है डॉक्टर नजफ अली, इस्लामाबाद होते हैं। तुम्हारा सेकंड कजन है? सेकंड कजन। क्या हाल है नजफ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाओ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कब विजिट करा रहे हो फिर हमें इस्लामाबाद? इस्लामाबाद जब भी है हर टाइम खुला हुआ है इस्लामाबाद। चलें ठीक है, आपके पास चक्कर लगाएंगे इस्लामाबाद हम जी। तो अभी चलते हैं जी, नाना जी से चल के मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मुबारक हो भाई दिन ना। रोशन जी। नाना जी को ना हमारे पौधों का बहुत ज्यादा शौक है और उन्होंने अपने जो छोटा सा गार्डन बनाया ना वो वहाँ से लेके ये सारा यहाँ तक पूरा ये गार्डन का एरिया है और अंदर का भी एरिया मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, वो सामने वो जो पूरी बेल लगी हुई है पूरी दीवार पे उसने इतनी खूबसूरती से मतलब वो सजी हुई है पूरी बेल सारे फूलों से मतलब। और वो सामने वो जो देख रहे हो ना आप लोग, ये प्याज लगे हुए हैं सामने और ये वैसे खूबसूरत से दरख्त हैं और इधर हैं। और इनका जो इंट्रो है ना, इन इस पौधों का जो इंट्रो है ना इस गार्डन का, ये नजफ और कुमैल देंगे। तो चलो नजफ और कुमैल, आप लोगों की बारी है, ठीक है हम बताएंगे। मैं आपको दिखाता हूं। चलो डॉक्टर नजफ बताओ। पुदीना हुआ है सबसे पहले? अरे पुदीना नहीं लग रहा, कोई और पौधा लग रहा है। नहीं नहीं पुदीना ही है, पुदीना ही है, पुदीना है ना। अच्छा ये पुदीना हो गया, और बताओ ये टमाटर वहाँ पे बड़ी फसल थी उस साइड से, लेकिन वो सब अच्छा निकाल दी पहले उस साइड पे। हाँ वो सारे साफ हो पड़े टमाटर हुए, तो ये भी टमाटर है जी सारे, मिर्चे और यहाँ पे ये सब मिर्चें लगी हुई है। तो ये भी देख सकते हो आप लोग, ये मिर्चों का पौधा है, कहीं मिर्च है तो देखते हैं कोई लगी हुई है। ये लगे हुए हैं जी बैंगन, बैंगन माशाल्लाह बहुत ज्यादा हुए हुए हैं, आप लोग दिखाते हैं। ये देखें जी बैंगन ही बैंगन, इधर जिसको चाहिए बैंगन वो रब्ता कर सकते हैं हमसे।